सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फ़िल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील साटी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लोगों कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कम्प्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस के ओल्टी वर्ज़न में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा दो जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त आरकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियां मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस तरीके के उल्टी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सजा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी क्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फ़िल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लोगों कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस तरीके के ऑल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फ़िल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लोगों कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मधना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालाँकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओ वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर शादा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त आर्डकास्टिंग देखने को मिलेंगी फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्य चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को भी कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें ख़ास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ऑल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को, लोगों को भी कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथथी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर गब्बरीज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील सैटी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमंद जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लिए कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मि का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्सा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें ख़ास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता न सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मि का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार टारकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्सा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के उडी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि को हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथथी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टारी गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार आरकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कम्प्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियां मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉसरी के उडी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फ़िल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। स्टार कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंधना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टारी गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज राज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कम्प्लीट हो जाएंगे दो मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएँ निभाएँगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियां मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस के उल्टी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मि का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज राज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लोगों कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों वो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस के उल्टी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज राज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस तरीके के ओल्टी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त आर्डकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्य चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालाँकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी क्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फ़िल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस तरीके के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालाँकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अगर इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स है इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस तरीके के ऑल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार स्टारकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फ़िल्म के वो लगभग ऐसे ही फ़िल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को, को बेवूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें ख़ास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंधना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गास जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को भी कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें ख़ास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओल वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मि का मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा गब्बर इज़ बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी, प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लिए कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियां मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ऑलरेडी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गजनी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त टारकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील सैटी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्सा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैग देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के ओ वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सजा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथथी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टारी गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार आर्डकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज राज जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्सा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प मोड लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के उर्डी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाह भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथथी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टारी गब्बर इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त स्टार आरकास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब शिक्षा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को लोगों कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल ज़रूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस कि प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉस बॉसरी के उर्डी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता ने सिकंदर के साइड पर एक तस्वीर सदा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए सलमान खान हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है लेकिन इनकी एक कमाल की फिल्म भी आने वाली है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं साथ ही में दोस्तों मैं आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा कास्टिंग के बारे में बात करेंगे बजट के बारे में बात करेंगे कब कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें जो नई अपडेट्स मेरे पास आई है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप भी सलमान खान के फ़ैन हैं और इनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे ही कमाल की जो है मूवीज़ है वो लेकर आ चुका आता रहता हूँ सलमान खान की जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम सिकंदर है जी हाँ दोस्तों सिकंदर एक ऐसी फिल्म है जिसका वेट सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी रीमेक है या फिर ओरिजिनल फिल्म है हो होगी या क्या होगा तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मूवी है वो एक तरह से ऑफिशियल फिल्म ही होगी क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो सरकार का रीमेक होगा या फिर वो होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक ऑफिशियल मूवी होगी जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं साउथ के ही जबरदस्त डायरेक्टर जी हाँ साउथ के डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही भी दोस्तों मचाने वाली है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हिट साबित होने वाली है और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान तो देखने को मिलेंगे ही साथ ही में आपको साउथ की क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदना भी देखने को मिलेंगे और काजल अग्रवाल भी हमें देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए आर मुर्गुदास जी हाँ ए आर मुर्गा जो है इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो कि साउथ के जाने माने और एक बेहतरीन डायरेक्टर है इन्होंने साउथ में बहुत सारी शानदार फिल्में बना रखी है जो लोगों ने काफ़ी पसंद की है जैसे कि गज़नी थप्पा की हॉलीडे कथ थी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है कुछ मूवीज़ इन्होंने लिखी है जैसे कि सरकार के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे स्टोरी भी लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि रीमेक होगी इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसके अलावा स्पाइडर अकीरा टंटारी इज बैक ऐसी बहुत सारी फिल्मों की स्टोरी वो पहले दे चुके हैं तो इस बार आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अंदर हमें ज़बरदस्त कास्टिंग देखने को मिलेंगी जो फिल्म की लीड कास्ट होगी वो होगी सलमान खान रश्मिका मंदना काजल अग्रवाल सत्यराज, सरमन जोशी सुनील शेट्टी प्रतीक पाटिल बब्बर नवाब शाह इसके अलावा अंजनी धवन चतन्या चौधरी वत्सन चक्रवर्ती ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर बात सरमन जोशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि सरमन जोशी और सलमान खान मिलते हैं और वहीं सरमन जोशी जो बोलते है बोलते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम से कोई मूवी नहीं मिली है तभी यहाँ पर सलमान खान बोलते हैं कि तू सिकंदर कर रहा है हालांकि ये बात काफ़ी वायरल भी हुई यहाँ से पता चलता है कि सलमान खान जो है वो एक्टर की इज्जत भी करते हैं और उन्हें हमेशा जो सपोर्ट करते रहते हैं तो इस बार आपको यहाँ पर सरमन जोशी भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या उनका रोल होता है और कहानी किस प्रकार की होगी अगर हम कहानी थोड़ी प्रेडिक्ट करें तो दोस्तों जो डायरेक्टर है फिल्म के वो लगभग ऐसे ही फिल्में बनाते हैं जहाँ पर जो है लोगों को न्याय दिलाया जाता है या फिर जो गलत है उसके सामने मतलब एक तरह का रोल ऐसा हीरो करता है जैसे कि वो क्रांतिकारी हो और मतलब अच्छा करता है पब्लिक के लिए और लोगों के अंदर जो है वो मतलब थोड़ी ऐसा मतलब मतलब सिक्सा लाता है कि ताकि लोग जो है ऐसी चीज़ों के अंदर ना पड़े उनसे बचे और लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए ऐसा मतलब हमें उनकी मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि अब इस बैक देख लो सरकार देख लो हमें ये सब मूवी के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और ये सभी दोस्तों फिल्म में काफ़ी बढ़िया रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को खूब प्यार भी दिया था तो वैसे में इस मूवी को आप भी ज़रूर देखिएगा ये आप सभी को दोस्तों अच्छी लगने वाली है और इसकी जो गजब की स्टोरी होगी वो भी आपका दिल जरूर जीत लेंगी चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर हमें जो है वो स्टोरी किस प्रकार के देखने को मिल सकती है क्या हमें खास देखने को मिल सकता है तो हालांकि अभी तक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इन्होंने इसकी स्टोरी को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो फिल्म होगी इसके अंदर हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अभी इसके कुछ पोस्टर ही वायरल आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर हमें सलमान खान की दो भूमिका देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के सलमान खान मशहूर निर्देशक ए आर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा और नाम सिकंदर है और इस फिल्म की शूटिंग इस साल जून से शुरू हुई थी और लगभग इस मूवी की शूटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो जाएंगे 2025 मार्च अप्रैल तक बताया जा रहा है कि शूटिंग का पहला भाग एक जुलाई तक पूरा हो चुका है और पता चला है कि सलमान खान सिकंदर में दो अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा दिलदस्त मोड़ लेकर आएगा और फिल्म में उनका किरदार दोहरी जिंदगी जीता होगा एक दयालु परोपकारी व्यक्ति के रूप में और एक दूसरा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अतीत के साथ हालांकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन टीम है वो बारह अगस्त को शूट होने वाले एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उन्होंने करीब दस हज़ार पिस्तौल और गोलियाँ मंगवाई थी और ये सीन चालीस दिनों की शूटिंग का हिस्सा है मतलब कि एक से उनको शूट करने में उन्हें चालीस दिन लगे हैं और उम्मीद है कि ये फिल्म दोस्तों हो सबसे रोमांचक हिस्सा होगा फिल्म के अंदर यही सीन सबसे रोमांचक हिस्सा वाला होगा और निर्देशक ना ने यहाँ पर एक एक्शन एक से भरपूर फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार का उसके अतीत के बावजूद भी अच्छे दिल वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा उसका अतीत बहुत ही खतरनाक होगा सलमान खान पूरी तरह से सिकंदर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस फिल्म को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिग बॉसरी के उल्टी वर्जन में जो मेज़बानी वो नहीं कर रहे हैं और फैसला किया है कि जो है वो अभिनेता निशिकंदर के सेट पर एक तस्वीर साझा की है जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और प्रशंसक उत्साहित है और फिल्म की रिलीज़ का इंतजार जो नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई यही देखना चाहता है कि मूवी कब आए